गुड इवनिंग, आई एम ईशान्या महेश्वरी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस अमेजिंग अवार्ड. आई हैव गॉट अ लग्जरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अवार्ड टुडे एंड ट्रैवलिंग से ज़्यादा खुशी मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिलती. एंड स्पेशली जब मुझे मौका मिलता है मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर सकूँ और अमेजिंग ब्यूटी इन्जॉय कर सकूँ, इट मेक्स मी रियली हैप्पी. आज मैं यहाँ पर रिपोर्टर, आरजे और एंकर की जो जर्नी थी और एक बेस्ट एंकर के लिए ये अवार्ड मिल रहा है, सो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 5 साल तक जो एक स्ट्रगल लाइफ रहा है तो उसकी वजह से आज ये कहीं जाके अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. और मैं नीलेश सर, सैंडी सर और मनीषा मैम को स्पेशली यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूँगी. अच्छा लग रहा है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मिला है, तो मैं चाहूँगी, मैं प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ और अच्छा करना चाहती हूँ. एंड माई मूवी इज़ रिलीजिंग इन दिस 13th of October. द मूवी नेम इज़ हम तुम्हें चाहते हैं. So I hope this movie will do well as well. So of course I'm feeling very happy and thankful. जब बहुत अच्छा लगा, I just love the trophy and thank you so much Sandy sir for inviting me to this wonderful event. Thank you so much for appreciating me for my work. I love you all. Right now I'm on the top of the world. I'm truly grateful and I'm really happy. Thank you Sandy sir. And and IAA awards. Thank you so much. I'm truly grateful. Yes, Pune Highway. My movie is upcoming project. सबसे पहले तो सैंडी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुलाया. एंड मैं आप सभी का भी थैंक यू बोलूँगी मेरा वीडियो बना दूँगा. एंड थैंक यू सो मच आप सभी का जो मुझे इतना काबिल समझा है. आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, थैंक यू. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू सैंडी टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू. बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और सबसे पहले मैं एनम एंटरप्राइजेस के नीलेश सर है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है. एक्चुअली ये अवार्ड ना हम कलाकारों के लिए एक बूस्ट होता है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है. थैंक यू सो मच. प्राउड फील करता हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे मॉम डैड प्राउड फील करते हैं. और अब तो शायद ऐसी नौबत आ गई है, मुझे घर थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा अवार्ड्स रखने के लिए. तो आज ये सब मिल रहे हैं तो कल आगे और भी उम्मीदें हैं कि फिल्म फेयर तक भी जाएंगे हम. बींग एन एक्ट्रेस ये हर एक एक्टर का सपना होता है कि उसे अवार्ड मिले, बिकॉज ये हमारे लिए यू नो ये एक प्राउड मोमेंट होता है एज एन एक्टर. ये हमें मोटिवेट करता है बिकॉज बींग एन एक्टर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए रहती है काम के लिए, आपको आगे यू नो ग्रो करने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस अवार्ड. थैंक्स टू सैंडी जॉयल एंड एनएम एंटरप्राइजेस फॉर फील हो रहा है और मैं काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ. ये अभी शुरुआत है और आगे ऑफकोर्स आगे बहुत आगे जाना है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत प्राउड फील हो रहा है और पहली बात तो सैंडी और एनएम प्रोडक्शन को बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अवार्ड शोज उन्हें करने चाहिए और जो अपकमिंग है उनको और मोटिवेट करना चाहिए और उनको ऑल द बेस्ट अपकमिंग इवेंट्स के लिए. थैंक यू. खुशी मिल रही है और ये एक तरीके का एंकरेजमेंट है सभी आर्टिस्ट लोग को. थैंक्स टू सैंडी एंड एचआर सैंडी एंड एनएम एंटरप्राइज. बहुत ही खुशी मिलती है मतलब जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं और ऐसा एनकरेजमेंट मिलता है, तो ऐसे ही करते रहिए और लोगों को और प्रोत्साहित करते रहिए. थैंक यू. मी कम्फर्टेबल मराठी, आपण महाराष्ट्रात असल्यामुळे. सो कसं आहे, प्रत्येक ठिकाणी जे अवॉर्ड शो होतात ना तिथे आम्हाला विचारलं जातं की तुम्ही पे केले का शोसाठी. मी फर्स्ट टाईम असं आहे की मला प्राऊड होतं आहे की सँडीने असा अवॉर्ड शो ऑर्गनाईज केलेला आहे एन एम एंटरप्राइजेसच्या सोबत, की ज्यामध्ये आम्हाला आमच्या कामातला सराहना देण्यासाठी इथपर्यंत बोलवलेलं आहे. सो थँक्यू सँडी अँड सो थैंक यू सैंडी एंड एनएम एंटरप्राइजेस. अवार्ड मिलने की खुशी जो होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो मैं पहले सबसे पहले थैंक यू करूँगी. थैंक यू सैंडी सर एंड एनएम एंटरप्राइजेस नीलेश सर, क्योंकि उन्होंने इस अवार्ड के लिए मुझे चुना, इसलिए थैंक यू. थैंक यू सो मच. दिस इज़ प्लेबैक सिंगर अर्पिता चक्रवर्ती और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टुडे टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स. एंड मैं चाहती हूँ कि
I want to thank Sandy, Joel and NM Enterprises, AM Libas for this honor. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरे दो दो यू नो देर आर वेरी गुड न्यूज़ कि आज मेरा एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है पूरे इंस्टाग्राम पे तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ और इस अवार्ड के लिए भी खुश हूँ आप लोगों से मिलके भी बहुत खुश हूँ सर बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबसे पहले थैंक यू सो मच टू सैंडी भाई जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है और फर्स्ट टाइम मैं उनके इवेंट में आया हूँ बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो एंड विद सैंडी जॉल एंड एंटरटेनमेंट ऑल ग्रुप सर थैंक यू मेरा नाम स्वागत है मैं हूँ आपका राजा मैं हूँ निकिता तो बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड मिलने के लिए और सैंडी भाई तो हमारे मित्र भी है तो इतना ऊपर आके मतलब थोड़ा इज्जत मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्यार भी मिल रहा है सब पहचानते हैं तो अच्छा लग रहा है और AM लिबास की तरफ से मोमिन भाई ने भी इनवाइट किया था हम लोग को तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट मोमिन भाई के लिए तो इतना ही बोलूँगा थैंक यू है ना थैंक यू ये मिलना लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मैं रियली आई रियली वांट टू थैंक सैंडी जॉयल एंड एंटरप्राइज जो जिन्होंने हमें बुलाया इनवाइट किया और ये अवार्ड्स दिया तो यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी NM इंटरप्राइजेस एंड सैंडी का जो हमें यहाँ पे इन्वाइट किया बहुत अच्छा हुआ है ये शो और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो बहुत अच्छा लग रहा है ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और मुझे मिला है बेस्ट ब्लॉगर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लोगों ने मुझे एक इंस्पिरेशन समझा है मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर रिश्ते को अच्छे से निभाओ और आप तक पहुँचाओ एज अ मदर एज अ डॉटर एज अ वाइफ मैंने सबको प्राउड फील कराया है और मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है और यूट्यूब फैमिली है उनको मैंने प्राउड फील कराया है थैंक यू सो मच और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ एंड थैंक यू स्पेशल अच्छा लगता है अवार्ड मिलना एंड स्पेशली आई गॉट अबाउट फैशन ट्रेंड्स सो ऑलवेज आई वेन एवर आई गो टू न्यू इवेंट्स आई क्रिएट प्लस साइज के अच्छे अच्छे फैशन सो दैट एवरी वन गेट इंस्पायर्ड सो आई एम हैप्पी फॉर दिस सी रेयरली क्या होता है जो अवार्ड्स करते हैं उनको ज़्यादा लोग बुलाते नहीं है तो सैंडी है जो जिसके वजह से आना पड़ा एंड आई ऑल्सो मेनी इन्विटेशन आते हैं आई डोंट यूजुअली गो आई बिकम वेरी चूजी इन माई अवार्ड्स एज अ फ्रेंड आई एम हैप्पी फॉर दैट थैंक यू सो मच पहली बार ऐसा अवार्ड अचीव कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है मैं स्पेशल थैंक्स सैंडी एंड NM इंटरप्राइजेस को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इसके काबिल समझा हम लोग को थैंक यू सो मच लोगों का प्यार देना चाहूँगा लोगों का प्यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और इस काबिल माना मुझे इस अवार्ड के आई एम वेरी 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 मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस ये अवार्ड लेने के लिए और दिन में दूसरा अवार्ड लेने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो ही रहा है डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ही बूस्ट होता है बिकॉज जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ जो मुझे कमेंट्स आते हैं जो मुझे लाइक्स मिलते हैं जो मुझे प्यार मिलता है जनता से हाँ वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मुझे बहुत ही अच्छा गुड इवनिंग एवरीवन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड फर्स्ट थैंक टू सैंडी जॉयल एंड NM इंटरप्राइजेस एंड ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट अवार्ड है एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया थैंक यू सो मच एक्चुअली मैं स्टंट वुमेन हूँ और हम सिर्फ पर्दे के पीछे दिखते हैं तो नीलेश सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये अवार्ड के लिए बुलाया तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि लोग हमें भी देखेंगे कि हम भी पर्दे के पीछे रहते हैं और जो हम स्टंट करते हैं बड़े से बड़े तो वो इसकी वजह से मैं सबको थैंक यू बोलूँगी बहुत अच्छा लग रहा है आई एम फीलिंग हैप्पी आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद करो ताकि मैं और प्रोजेक्ट करूँ और कंटेंट बनाते रहूँ प्राउड फील हो रहा है एंड दिस हार्ड वर्क मेड मी रीच टू दिस वेरी बिग मोमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली ऑनर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस थैंक यू सो मच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड और मुझसे ज़्यादा शायद मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं कि जब भी
मेरा 15-20 अवार्ड से मेरा वार्डरोब पूरा भर चुका है. सो आई एम ग्लैड टू हैव दिस अवार्ड. इट्स एन ऑनर टू होल्डिंग दिस अवार्ड एंड आई वांट टू से थैंक्स टू ज्वेल एंटरटेनमेंट. आई वांट टू से थैंक्स टू सैंडी एंड इट्स एन ऑनर टू होल्ड दिस अवार्ड एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस. सो एंड आई हैड अ गुड ब्यूटिफुल इवनिंग. सो थैंक यू वेरी मच. होप टू प्राउड तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरा को. अंडमान निकोबार आइलैंड से है वैसे. एक साल हुआ मुंबई में आके. खुशबू खान के साथ वीडियो की. अभी जस्ट मूवी में मेरा डेब्यू. म्यूजिक डायरेक्टर आ रहा है हम. सिंगर भी है उसमें. तो बहुत अच्छा लगा. सैंडी भाई को थैंक यू और खुशबू खान को भी. लोगों को नमस्ते. और बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक सैंडी इज बिन ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड्स फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स एंड यू नो वी फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड्स बिकॉज यू नो वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड कितने महीनों के बाद हमें ये मिलता है. सो थैंक्स टू सैंडी. सैंडी गर्ल दिस वन इज फॉर यू. आई थिंक आप सारे एक्टर्स को बुलाते हो और अपॉर्चुनिटी देते हो अवार्ड्स में तो बहुत अच्छा लगता है. प्राउड फील हो रहा है यार. मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस. सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में हूँ और लाइक इट्स बीन 6-7 ईयर्स नाउ. और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाती हूँ, काफ़ी शूट करती हूँ कंटेंट. और अगर उसको ऐसे सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत प्राउड फील होता है. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे फेमस शो उतरन के लिए अवार्ड मिला है जिसमें मैंने एंटैगनिस्ट का रोल किया था, मेन नेगेटिव अंबिका. सो आफ्टर सो लॉन्ग बट देन दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी. अंबिका इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड थैंक्स टू यू फॉर ऑनरिंग मी विद दिस एंड इट इज़ वेरी स्पेशल. पहले तो नमस्कार. मैं अपूर्वा चौहान. मैं तो बहुत खुश हूँ आज के दिन के लिए. तो बहुत खुश हूँ. बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए आज का. और ये तो बस स्टार्टिंग है और आगे बहुत आगे जाना है और बहुत मंजिल है. बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबकी साथ चाहिए. हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और बहुत आगे चले जाएंगे. बस थैंक यू कहूँगी सैंडी जॉयल सर के लिए कि जिनके वजह से आज हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है. बस थैंक यू. एंड स्टेपिंग टुवर्ड्स दिस एक्टिंग करियर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सैंडी जॉयल and NM Enterprises for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you. Awards are very special always. It's just a recognition of everything that you do, all your hard work, all your consistency, and of course this is the prize for that. I feel very happy, very proud, very honored. And मैं nominate बहुत हो चुकी हूँ लेकिन I think ये मेरा पहला award है. So it's very special. And I've got the rising phoenix in acting and influencing. So that feels very good. It just inspires me to do even better work in what I'm doing. Thank you. And feeling great. I just want to thank all my makers, my producers, my fans. Thank you so much for always loving me and supporting me. And thank you, International Achievement Award, for this award, Mr. Sandy. Love you guys. Thank you for this. और दूसरा अवार्ड अगर आप मुझसे पूछेंगे ये किसका है तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अली खान का है. वो इस वक्त बरसाते शूट कर रहे हैं तो वो आ नहीं पाए. लेकिन मुझे ये बताइए इससे बड़ी प्राउड फीलिंग क्या होगी कि आपके बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड भी आपके हाथ में है. सो मेरे लिए ये डबल हैप्पी मोमेंट है. सो या आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी. Of course, जब भी आई गेट एन अवार्ड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड आई लव इट वेन एवर आई गेट एन अवार्ड. आई एम एन अटेंशन सीकर. कम ऑन, आई एम एन एक्टर. सो आई लव गेटिंग एन अवार्ड. सो आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई गॉट दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2023 एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू हैव दिस. Yes, so my music video is coming up very soon this month and you're going to experience the dark side of love in that music video and you're going to see me in different shades and I hope you guys really like it about it. Thank you so much. पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरा पता नहीं 7 या 8वां नंबर क्राउन है. पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है. जनरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को मेरे काम की वजह से रिकॉग्नाइज मिल रहा है. और सैंडी सर को थैंक यू बोलूँगी और उनके सारे टीम को थैंक यू बोलूँगी. तो सबसे पहले तो हमारे सैंडी भाई को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि सैंडी भाई ने हमको इनवाइट किया है अवार्ड फंक्शन में. अगर वो ना करते तो आप लोगों का प्यार भी देखने को नहीं मिलता. राइट है ना सैंडिया? आप लोगों ने जो जी जी उसके बारे में कुछ बताइए क्या कुछ होने वाला है.
गुरु बुक एक ऑनलाइन बुक है, वो एक नंबर है। बहुत लोग पूछते हैं यार सनी भाई हमको इजी पैसे कमाने, तो कैसे कमाने, तो हम लोग सबको बोलेंगे कि गुरु बुक पे खेलो, वो एक नंबर ऑनलाइन बुक है। इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और लाइसेंस पहली बुक है, गुरु बुक है। सैंडी भाई आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों भाई यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं और मेरा जब फोन करता है तो भाई मेरे लिए आ जाते, कभी मना नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगा कि आज आए और शो का माहौल उन्होंने बढ़ा दिया। पहले तो सबको सॉरी बोलना चाहता, हम लोग को लेट हुआ क्योंकि हम लोग पुणे में रहते और आज बारिश की वजह से पूरा लोनावला जाम था, तो 2 घंटा हम लोग लेट हो गए आने में। पहले तो सैंडी भाई को सॉरी हमारे। सैंडी बहुत सक्सेसफुल रहा यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे पूरी मेहनत जो है रंग लगी उसके बारे में थोड़ा बताइए, जर्नी के बारे में अगर बात करें। वो ज़्यादा करके आपको मोहिम भाई बताएंगे। मोहिम भाई प्लीज आ, मोहिम भाई आ जाओ ना यहाँ पे बंटी भाई के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स बोलना चाहता हूँ और सर आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इस इवेंट में आके यहाँ पर चार चांद जैसे रोशनी सा एकदम माहौल बना दिया और गोल्डन मैन यानी कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इतना अच्छा नेचर है। तो आज जो ये इवेंट था ये बहुत ही अच्छा इवेंट था, सारे सेलिब्रिटी आए यहाँ पर और हमारी जो ब्रांड है एम लिबास वो बहुत ही फेमस ब्रांड है ऑल ओवर इंडिया, तो आगे भी हम हमारी जो क्लोथिंग ब्रांड है उसको और आगे तक लेके जाएंगे। अभी हम लोग कोलैबोरेशन करने वाले आपके साथ। थैंक यू सर। अगला वाला अवार्ड अपन येड़ भगा डालेंगे, तांडव कर डालेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोल्ड का रखेंगे हम ना, गोल्ड का रखेंगे कुछ तो अवार्ड। अभी अगला हम लोग रखने वाले जो साथ में बोलिए बोलिए बोलिए। आई वांट टू थैंक थैंक्स टू एआईजी अवार्ड एंड सैंडी जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, अवार्ड से सम्मानित किया एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। लाइक आप सब ने हमें इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया जो आए हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है एंड सैंडी जी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सैंडी भाई। और हम लोग अभी करने वाले ना जो अवार्ड वो गोल्ड से रिलेटेड ही करेंगे। कितना टाइम लगेगा उसको अपने को ये करने का अवार्ड शो? जनवरी में करेंगे हम। फर्स्ट जनवरी में करेंगे, फर्स्ट वीक में करेंगे जनवरी में। तांडो फुल गोल्डन गाइस स्टाइल में येड़ भगा डालने का। जनवरी में भाई का बर्थडे भी रहता है उस पे ही करेंगे। 2 जनवरी को ही रखेंगे अवार्ड फंक्शन, उसमें कुछ तो अवार्ड ही हम लोग गोल्ड का रखेंगे कुछ तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ज्यादा से ज्यादा सब लोग ने जोर से बोलो भाई थोड़ा सा। स्टार्टिंग में जितने जन आ रहे थे उससे अच्छा मेरे को इतना ही लगा कि ये जब ये आ गए तो भी 4 चांद लग गए शो के। थैंक यू भाई। ये तो सब सब जन पूरे मुरझे हुए थे। गोल्डन गाइस आते तो सब येड़ भाग जाते सबका। तांडव वैसे हो जाता है विषय का नाथ खुड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगा कि जो सैंडी भाई के साथ में आज ये इवेंट हुआ ये बहुत ही अच्छा यादगार इवेंट था और आज जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आए सारे लोग बहुत खुश थे। हमने हमारी ब्रांड की जितनी भी ड्रेस थे वो उनको गिफ्ट किए तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरी ब्रांड ऑल ओवर इंडिया में फेमस ब्रांड है एम लिबास के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अहमदाबाद में है और मुंबई में हमारा सेल्स ऑफिस है। बहुत सालों से हमारे साथ में कस्टमर जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा मेरे ब्रांड में जो कि अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं और एक बार हमारी ब्रांड को ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ ताकि मेरे कस्टमरों तक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट पहुँचे। और आप लोगों के लिए भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतने टाइम तक रुके और आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमारे लिए, तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप लोग भी हमारी ब्रांड से जुड़ना भूलना नहीं, ठीक है? अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हमारे ब्रांड के कपड़े ज़रूर लेना, बहुत पसंद आएंगे उनको। और हमारी जो एक टैग लाइन है, हो कोई भी उम्र या हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी हर किसी की चॉइस। थैंक यू सो मच। भाई मोइन जी से मिला हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई थिंक जो मुझे फैसिनेट किया अबाउट हिम इज़ द काइंड ऑफ जर्नी दैट ही हैज़ हैड। सबसे मुश्किल चीज़ मैं उनको पहले भी बता रहा था व्हेन आई वाज चैटिंग विथ हिम कि सबसे मुश्किल चीज़ होता है ज़ीरो से स्टार्ट करना एंड ज़ीरो से स्टार्ट करके व्हेन यू ग्रो दैट्स द मोस्ट आई थिंक वंडरफुल थिंग। ही हैज़ हैड हिज ओन चैलेंजेस, एम लिबास को ही स्टार्टेड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आज के दिन पे जब मार्केटिंग एंड आई थिंक प्रमोशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल, वो टाइम पे भाई साहब एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ज़्यादा नहीं करते, ओनली फोकस इज ऑन क्वालिटी।
मतलब एज एन कंज्यूमर अगर आपको अच्छा लगे दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नहीं अगर कुछ अच्छा लगा ही इज़ वेरी क्विक ऑन हिज टोस टू एक्चुअली इम्प्रूव सो दैट आपको अच्छा लगे. सो इन टुडेज़ टाइम यहाँ पे मार्केटिंग के बाद सब खत्म कर देते हैं, इफ ही इज़ डूइंग इट एक्चुअली फॉर द कंज्यूमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग. एम लिबास का जर्नी जस्ट शुरू हुआ है एंड आई एम श्योर मोइन भाई विल ऑल्सो एग्री, लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट टू बी डन इन फ्यूचर एज वेल. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट मोइन बाबू सर को फॉर एम लिबास. आई एम श्योर ऐसे जाके और भी इवेंट्स भी करेंगे एंड ही विल एक्सपैंड हिज होराइजन इन मल्टीपल वेज एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी राइट नाउ, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग टुगेदर. मेरी तरफ से भाई को एक गिफ्ट है हमारा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.